गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सतीश कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आज क्रिस्पी कॉर्न बनाने जा रहा हूं। देखिए कैसे बनाते हैं, कितना जल्दी इसको तैयार करते हैं और ये कितना अच्छा बनता है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले ये कॉर्न है हमारे पास, कल लेके आए थे मार्केट से खरीद के क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए, क्रिस्पी कॉर्न चीनी। और इसको हम अब अलग करते हैं। अलग करने के बाद बताएंगे क्या करना है। अब ये देखिए अपना कॉर्न रेडी हो गया है, कॉर्न को रेडी कर दिया है। अब थोड़ा सा शिमला मिर्च काट लेते हैं और दो मिर्चा काट लेते हैं और उसके बाद आगे का दिखाते हैं कैसे काट। देखिए हमारा मटेरियल रेडी हो गया है, कॉर्न को धो दिया है और ये शिमला मिर्च को काट दिया है, नमक मिर्चा को काट दिया है, प्याज थोड़ा स्लाइस करके रख लिया है, टमाटर थोड़ा स्लाइस करके रख लिया है और पानी जो है गर्म करने के लिए बैठाया था, पानी अभी गर्म हो गया है। इसमें हम 10 मिनट के लिए कॉर्न को डाल के छोड़ देंगे। धीरे धीरे सारा कॉर्न को गर्म पानी में डाल देंगे। 10 मिनट के लिए सारा कॉर्न पानी में ऐसे ही खौलेगा। 10 मिनट बॉयल होने के बाद इसको निकालेंगे और फिर आगे इसका प्रोसेस किया जाएगा। अभी कॉर्न को बॉयल पानी में डाल दिया है, 10 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। अभी देखिए हमारा स्वीट कॉर्न एकदम फूल गया है, गर्म हो गया है, बॉयल्ड हो गया है। 5 मिनट तक इसको बॉयल किया गया है। अब हम चूल्हा को बंद कर देंगे और पानी को छान। ये देखिए कॉर्न को गर्म पानी निकाल के छान दिया गया है, कॉर्न छना गया। स्टोव पे तेल रख दिया गया है, तो कढ़ाई में तेल डाल के स्टोव को गर्म करने के लिए रख दिया गया है। अब चलिए देखते हैं क्या क्या कैसे करना है। ये कॉर्नफ्लोर है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। फिर मटेरियल ज़्यादा लग रहा है इसलिए 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। फिर इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, नमक स्वादानुसार डालना है तो इसमें हम नमक डालेंगे। स्वादानुसार नमक ले लिया है। फिर इसमें मसाला डालेंगे, लाल मिर्च टेस्ट लाने के लिए इसमें थोड़ा आमचूर पाउडर डालना है और इसको नमकीन पाउडर डाल दिया है। मिक्स करेंगे, 1/2 ग्लास करेंगे तो मिक्स कर रहे हैं। तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये जो आटा है वो दिखना नहीं चाहिए, वो सब अच्छा से मिक्स हो जाना चाहिए। अगर ये आटा मिक्स नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून पानी इसमें मिला देंगे और इसको अच्छा से मिलाएंगे। देखिए ये अभी मिला दिया है, आटा अभी नहीं दिख रहा है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कॉर्न पूरी तरह से मिल गया है। के लिए एक दाना डाल के देखेंगे। यस, हमारा तेल गर्म हो गया है। अब कॉर्न को तेल में डाल देंगे, तलने के लिए डालेंगे।
देखिए फ्राई हो रहा है, हल्का लाल हो जाएगा तो इसको निकाल देंगे। ऐसे सारे कॉर्न को इसमें फ्राई करेंगे। ये देखो टमाटर डाला हुआ है, टमाटर डाल के इसको पका रहे हैं। जैसा कि आपने देखा फ्राई कर रहे थे स्वीट कॉर्न को, अभी ये स्वीट कॉर्न फ्राई होकर रेडी हो गया है। अभी देखते हैं ये क्या है, प्याज है, शिमला मिर्च, टमाटर। स्टोव पे कढ़ाई को रख दिया गया, उसमें हल्का सरसों तेल डाल दिया गया है। अब इसमें मिर्चा डालेंगे, मिर्चा डाल दिए। मिर्चा के बाद इसमें प्याज शिमला मिर्च को अच्छा से फ्राई करेंगे। प्याज डाल दिया गया फ्राई होने के लिए, फ्राई हो रहा है, प्याज फ्राई हो जाएगा। उसके बाद इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। देखिए शिमला मिर्च डाल दिया है, शिमला मिर्च फ्राई हो रहा है। शिमला मिर्च फ्राई होने के बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे। ये हमारा क्रिस्पी कॉर्न रेडी हो गया है, अच्छे से मिला देंगे। क्रिस्पी कॉर्न रेडी हो गया है, इसको कढ़ाही से निकाल के फिर हम सर्व करेंगे। देखिए क्रिस्पी कॉर्न रेडी हो गया है। अब इसको प्लेट में रख के हल्का नींबू ऊपर से निचोड़ के और सर्व कर दिया जाएगा। ये हो गया यम्मी क्रिस्पी कॉर्न, बहुत ही अच्छा बना है, इसका लुक बहुत ही अच्छा है। और हमारे घर में मेरी पत्नी ने केले का कोफ्ता बनाने का प्रोग्राम किया है, केले का टिक्की बना दिया गया है। ये मसाला है, मसाला मिक्स कर दिया गया है, फिर इसको गर्म करके ग्रेवी बना के टिक्की को डाल देंगे तो केले का कोफ्ता भी रेडी हो जाएगा। आदमी को कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, माइंड क्रिएटिव होते रहता है, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। इससे लर्निंग का कोई अंत नहीं होता, सीखने की कोई अंत नहीं होती है, कुछ ना कुछ सीखने सीखते रहना चाहिए। मेरा काम सोर्सिंग में है, मैं सोर्सिंग करता हूँ लोगों की, शिपिंग में सोर्सिंग करता हूँ, एंग्लो ईस्टर्न मुंबई में मैं यहाँ पे हूँ, कार्यरत हूँ। और सोर्सिंग में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही टेंशन होते रहता है, तो माइंड को कैसे डाइवर्ट करें, तो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने ध्यान को इधर से उधर भटकाते रहिए, तब जाके लाइफ जो है खुशनुमा बनता है और आप अच्छा से जी सकते हैं। बोलने का मतलब है कि अगर आपको कोई शौक़ है ज़िंदगी में, आप लाखों पैसा कमाएं, लेकिन अगर शौक़ पूरा ना होता है तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं होता है। और शौक़ जो है वो आपका शौक़ है, आपको ही पूरा करना होता है। देखिए मेरा शौक़ था गीत गाने का, सॉन्ग करने का, छठ पूजा का सॉन्ग गाया मैंने, एक शौक़ पूरा किया। ये शौक़ है थोड़ा खाना वाना बनाने का, मुझे अंदर से इच्छा रहता है कि हम थोड़ा कुछ बनाए, कुछ अच्छा सीखे, कुछ हट के सीखे। और आज मैंने ये क्रिस्पी कॉर्न बनाया और आपके सामने रख रहा हूँ, पूरे फैमिलियर ढंग से बनाया है और आपको सामने रख रहा हूँ। देखिए कैसा है, लाइक कीजिए, व्यू कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा मेहनत रंग लाया है और ये क्रिस्पी कॉर्न बन के रेडी हो गया है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।